नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं बसवराज जल्दी आपका स्वागत करता हूँ फिर से कला दालन यूट्यूब चैनल पर। आज हम शैडो आर्ट सीखने वाले हैं। शैडो आर्ट यानी कि आप देख सकते हैं मैं एक तस्वीर बनाया हूँ और उसका शैडो एक कैनवास पे ले रहा हूँ जो कि मुझे बनाना है। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि मैं मैथमेटिक्स का यानी कि सिमिलैरिटी का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं शैडो को स्क्रीन पे लिया, फिर उसका आउटलाइन बना रहा हूँ और फिर बाद में वाइट टेक्सचर यूज़ करके मैं कुछ 3D इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ जो सूखने के बाद बिल्कुल 3D इफेक्ट लगेगा आपको कलरिंग करने के बाद भी। मैं यहाँ पे चेहरे पे और शरीर के कुछ हिस्सों पर डायरेक्ट येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लाइटिंग इफेक्ट उसके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी जो मैं बना रहा हूँ उनके हाथ में दिया है और उस दिए का जो लाइट है उनके चेहरे पर और उनके कंधे पर आ रहा है। फिर नाइफ से मैं डायरेक्ट नीला कलर दे रहा हूँ और नीला कलर इतना डार्क है कि जो नेवी ब्लू लगता है, पूरी तरह से ब्लू कलर और ब्लू शेडिंग यहाँ पे यूज़ करना है, इसलिए मैं चेहरे पर और बाकी जगहों पे भी नीला कलर यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि ये पिक्चर इतना बढ़िया बनने वाला है कि आप सोचेंगे भी नहीं। ये तस्वीर बनाने के बाद मैं खुद हैरान हो गया था कि मैं ऐसा भी तस्वीर बना सकता हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ पे नीला कलर यूज़ करके उसमें शेड लाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी के आंखें बंद है इसलिए पलकों को ड्रॉ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भी उस तरीके से कि वो शांत स्वभाव और शांत मुद्रा उनके चेहरे पर आना ही बहुत ज़रूरी है। बात कहना मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मुझे लाइक्स दे रहे हैं मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आप बहुत ही कमेंट्स यहाँ पे मुझे दे रहे हैं अच्छे अच्छे, उसके लिए भी धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट कलर है, एक येलो कलर, ऑरेंज कलर, उसके साथ ब्लू कलर, ये बाद में बहुत अच्छा तस्वीर बनने वाला है आपको देखने को मिलेगा। और अब मैं वाइट कलर यूज़ करके पलकों को अच्छी तरह से डिटेलिंग कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं पलकों के नीचे का जो हिस्सा है उसको डार्क दिखाए कि लगे कि आंखें बंद है, और जो डेप्थ है वो भी दिखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से मालूम होती जाता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हो तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और देखने के बाद उसको करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं मैं जो शरीर का दूसरा हिस्सा है, हाथ और चेस्ट, उसको भी कलरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे इतना डार्क कलर मैंने यूज़ किया है और वो ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस या शेड लाइट दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में मैं चेहरे के हिस्से को फिर से कलरिंग कर रहा हूँ और वहाँ पे आप देख सकते हैं उस साइड यानी कि भगवान बुद्ध जी के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे थोड़ा सा शेड है, तो डार्कनेस है, तो डार्कनेस दिखाने के लिए मैं ब्लू में ही थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करके उसको कलरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध जी के घुंघराले बाल है, तो घुंघराले बाल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ आपको, मैंने वाइट टेक्सचर यूज़ किया है थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए है। फिर बाद में डार्क ब्लू कलर यूज़ करके उसको कलरिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है इस तस्वीर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर यूज़ हो रहा है जैसे मैंने बताया है आपको पहले से। आप फिर से देख सकते हैं मैंने आँखों का थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ, इसमें वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा दिखे इसलिए मैं उसके बगल में या फिर आजू बाजू में डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ और चेहरे के अलग हिस्सों को भी डार्क कलर से कलरिंग कर रहा हूँ। बुद्धा जी के जो नाक है वो स्ट्रेट है, बहुत ही सुंदर है, उसको ड्रा करने के लिए मैं लगभग मुझे लगता है कि 1 या 2 घंटे का टाइम लिया होगा। आप देख सकते हैं ये वीडियो सिर्फ 11 या 12 मिनट का है लेकिन ये बहुत ही एडिटेड वीडियो है, इसमें बहुत सारे पार्ट मैंने कट किया है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैंने लिया है। दोस्तों मैं जानता हूँ यहाँ पर मेहनत बहुत है लेकिन उतना सब करने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी जब पूरी तरह से आपके पेंटिंग ड्राइंग तैयार हो जाएगा वो बहुत ही अलग रहता है, आप यहाँ पे महसूस कर पाते हैं जब आप कोई ड्राइंग करते हैं।
होठों को निकालने के लिए, होठों को ड्रॉ करने के लिए, कलरिंग करने के लिए थोड़ा सा मैं पिंक कलर यूज़ किया और उसके बाजू में नीला कलर को यानी कि ब्लू कलर को यूज़ किया है। ये फिर से वही रीज़न है जो बुद्धा जी के हाथ में जो एक दिया है जो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ, वो दिए का जो लाइट इफेक्ट है उनके चेहरे पर आ गया है, उसको मैं अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं पिंक, येलो और रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लाइट इफ़ेक्ट कहाँ पे रखना है, डार्क शेड कहाँ पे रखना है, ये प्रैक्टिस के बाद आपको ज़रूर 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 आने वाला है। आप अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको भी बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग करने को मिलेगा और आप वो अच्छे अच्छे ड्राइंग दूसरों को भी दिखा के अपनी खुशी को दुगना कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आपको दिखाकर। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है पूरी तरह से देखिए, लास्ट तक देखिए, इसमें जो डिटेलिंग मैंने बताया है उनको जानिए और आप भी जब ड्राइंग बनाते हैं तभी उसको यूज़ किए। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको, बुद्धा जी के हाथ में एक दिया है और उस दिए के जो लाइट इफ़ेक्ट है उनके चेहरे पर आने वाला है। बहुत ही सुंदर तस्वीर है, बहुत ही अच्छा तस्वीर जो मुझे मिला है ड्रॉ करने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी मुझे ये ड्राइंग करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए मुझे बताया है। तो ये जो तस्वीर है आप पूरी होने के बाद देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाथ को पूरी तरह से रेड कलर और ब्लैक कलर यूज़ करके कलरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उनके हाथ में दिया है और उसका लाइट इफ़ेक्ट हर जगह और हर जगह फैल रहा है, यही मैं दिखाना चाहता हूँ इस तस्वीर में। येलो और ब्लू कॉन्ट्रास्ट कलर ज़रूर है लेकिन ये इस तस्वीर में जान डालने वाली है, मुझे पता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि डार्क कलर और एक लेयर, उसका और एक लेयर मैं यहाँ पे चेहरे पर देना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शेड लाइट यहाँ पे बनने वाला है बाद में वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। मैं हर बार हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि डार्क कलर यूज़ करना है तो बिल्कुल कीजिए, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल कीजिए, लाइट कलर भी वहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और जब भी करेंगे तो कुछ गलत भी हो गया तो डरिए मत, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम उसको सुधार भी कर सकते हैं, उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। यही आर्टिस्ट लोगों की खासियत है, यही उनकी क्रिएटिविटी रहती है। बताना चाहता हूँ कि जो वाइट लाइट वाइट कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पर्पजली कई कई जगहों पे मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो तस्वीर है एक्चुअली ये जो उनका इमेज है या फिर मैंने पिक्चर जो देखा है ये एक उनका स्टैचू है, स्टैचू से वो फ़ोटो निकाला गया है और उसका फ़ोटो मैं बना रहा हूँ। तो आपको ये डिफरेंस अभी मालूम हो रहा होगा, पहले जब ये तस्वीर बन रही थी वो कैसा था, लेकिन अब ये जो बन चुका है पूरी तरह से, थोड़ा बहुत डिटेलिंग बाकी है लेकिन ये जो तस्वीर बन चुका है ये कैसा है, उनके चेहरे पे जो हल्का सा स्माइल है, मंद मुस्कान है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम इस तस्वीर को देखते हैं हमको प्रसन्नता महसूस होना बहुत ज़रूरी है, मन प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका नाक, उनके आँखें, उनका होठ, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हम जो बनाते हैं। तो अब घुंघराले बाल जो उनके हैं, बहुत ही सुंदर बाल हैं, उनको मैं कलरिंग कर रहा हूँ। पहले डार्क कलर यूज़ किया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट देने के लिए लाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे मैं कलरिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं इतना उसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो जो रेड पार्ट है उनके बालों के ऊपर वो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जो ऑरा है, जो दिया उनके हाथ में है, उसका लाइट पूरे चेहरे पर फैल गया है, ऐसे लगता है। दोस्तों ये तस्वीर अब तक का मेरा सबसे बड़ा तस्वीर, सबसे अच्छा तस्वीर है, मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा पिंक, थोड़ा रेड, थोड़ा येलो, थोड़ा वाइट, ऐसे सारे कलर मिक्स करके वहाँ पे उनके बालों पर जो लाइट इफ़ेक्ट है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब ये तस्वीर पूरा हो जाएगा आप बिल्कुल देख सकते हैं कि वो कितना सुंदर दिखेगा। यहाँ पे मैंने वाइट कलर के साथ साथ बीच बीच में डार्क कलर भी यूज़ कर दिया। मैं मेरे स्टूडेंट्स को और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने शैडो इफ़ेक्ट और शैडो टेक्निक यहाँ पे यूज़ किया था, पहले ये
ड्रॉ करने के लिए ये बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो घर में। ये नया टेक्निक है, नया अंदाज़ है, मुझे लगता है कि आज तक कोई भी ये टेक्निक शायद यूज़ नहीं किया होगा। इससे आप बड़े बड़े तस्वीर बना सकते हो छोटे तस्वीर से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ये सीखें। जब भी आप ड्राइंग करते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या कर रहे हो, कौन से ब्रश यूज़ कर रहे हो, कौन से कलर यूज़ कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर वो कलर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसी से वो तस्वीर उभर के आता है। तस्वीर में जो हर एक हिस्सा है, हर एक पार्ट है, फेस हो या फिर बॉडी पार्ट हो, वो सामने आने लगता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, चेहरे पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं, लेकिन बॉडी के इधर पार्ट को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये तस्वीर पूरी तरह से बन चुकी है और मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखा। प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उनको भी ये सीखने का मौका मिले। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ड्राइंग और इससे भी अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाएंगे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया ड्राइंग, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग यहाँ पे बन चुका है। और ये स्माइल, उनकी आँखें, उनके चेहरे पर जो शांतता है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जब भी आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो उसका मज़ा अलग ही रहता है देखने के लिए। तो देख सकते हैं ये जब हम घर में रखेंगे तो कितना अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।